हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ कोरियन ड्रामा द साउंड ऑफ मैजिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कोरियन नेम अनार सुमार नारा है। ये कहानी एक मैजिशियन की है। कहा जाता है कि शहर के बंद पड़े हुए थीम पार्क में एक बहुत ही गुड लुकिंग मैजिशियन रहता है, पर वो थोड़ा सा पागल टाइप का है। उसके बारे में ऐसे रूमर्स है कि वो रियल मैजिक करता है। अपनी ट्रिक से वो जिस इंसान को गायब करता है वो सच में गायब हो जाता है। अपने हर मैजिक करने से पहले वो पूछता है कि आप मैजिक में बिलीव करते हो, तो ऐसा है हमारा मैजिशियन। स्टोरी का दूसरा मेन कैरेक्टर है योना नाम की लड़की। वो अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब थी। उनकी मोम की डेथ हो गई थी और उनके पापा कहीं चले गए थे क्योंकि उन पर बहुत कर्जा था। इस वजह से योना अपनी छोटी बहन के साथ अकेली रहती थी और स्कूल के बाद कुछ छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाती थी। स्कूल के पहले ही दिन वो लेट हो गई थी। भागते भागते वो एक लड़के से टकरा जाती है और गिर जाती है। उसे पेट में बहुत ही चोट लग जाती है और उसकी लेगिंग्स फट जाती है। जिस लड़के से वो टकराई थी वो था ना इलडंग। ये हमारी स्टोरी का तीसरा मेन कैरेक्टर है। ना इलडंग बहुत ही होशियार था। हर साल क्लास में वो फर्स्ट आता था, पर एक मैथ्स में ही वो दूसरे नंबर पे आता था और फर्स्ट पे आने वाली योना थी। उसका मैथ्स बहुत ही पावरफुल था। ये बात ना इलडंग को खटकती थी कि कोई उससे आगे था। स्कूल छूटने के बाद योना एक ग्रोसरी स्टोर में काम करती है। आज के काम के पैसे देकर स्टोर ओनर ने उसे पार्ट टाइम के लिए रख लिया था और ज्यादा पैसे भी दिए थे। इस वजह से योना बहुत खुश थी। पैसे लेकर वो घर जा रही थी। बहुत तेज हवा की वजह से उसके हाथ में से पैसे की नोट उड़ जाती है और दूर जाकर गिरती है। योना नोट लेने जाती है पर नोट उसके हाथ में आ ही नहीं रही थी। उसका पीछा करते करते वो शहर के बंद पड़े हुए थीम पार्क के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे कोई भी नहीं था। योना अंदर जाती है। अंदर उसे अपने पैसे मिलते हैं, पर जैसे ही वो पैसे उठाने जाती है वैसे ही वो पैसे मैजिशियन के पास चले जाते हैं। मैजिशियन योना से पूछता है कि तुम मैजिक में बिलीव करती हो। उसे देखकर योना डर जाती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। घर जाते ही उसके घर की ओनर उससे रेंट मांगने आती है। वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि कई महीनों का रेंट बाकी पड़ा था। ओनर उसे एक वीक का टाइम देती है। अगर योना ने एक वीक में पैसे नहीं दिए तो उसे घर खाली करना होगा। बेचारी योना, उसकी लाइफ बहुत ही मुश्किल होती जा रही थी। फिर उसे अपने कपड़ों में से एक इनविटेशन कार्ड मिलता है। दूसरे दिन योना स्कूल में वही उसकी फटी हुई लेगिंग्स पहनकर गई थी। ये देखकर बेखाना नाम की लड़की और उसकी फ्रेंड को लगता है कि योना इतनी गरीब है कि एक छोटा सा कपड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर बेखाना के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। कुछ देर बाद जब योना अकेली बैठी थी तो उसे बेंच के नीचे कुछ पैसे दिखते हैं। वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है और फिर वो पैसे ले लेती है। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती, ये हम देख सकते हैं। फिर ना इलडंग आता है। उन दोनों की सीट बाजू में ही थी। थोड़ी देर बाद बेखाना आती है और कहती है कि मैंने ये पैसे दान कर दिए जिसे इसकी जरूरत थी। योना को अपने आप पे ही घिन आ रही थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उस रात योना फिर से थीम पार्क में जाती है अपने पैसे ढूंढने, लेकिन वहाँ मैजिशियन की वजह से वो डर रही थी। वो जाने ही वाली थी कि मैजिशियन आ जाता है और उसे अपना इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है। पर योना कहती है कि मैंने तो वो इनविटेशन कार्ड फेंक दिया। पर मैजिशियन के कहने पर वो अपनी पॉकेट में से कार्ड निकालती है। योना को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये कार्ड तो उसने फेंक दिया था, तो वापस कैसे आया। मैजिशियन एक चुटकी बजाता है और ऐसा दूसरा कार्ड योना के पॉकेट में से निकलता है। फिर मैजिशियन कहता है कि मैंने तुम्हें अपने मैजिक से यहाँ बुलाया है, तो योना कहती है कि मैं तो यहाँ अपने पैसे लेने आई हूँ। फिर मैजिशियन पैसों की एक नोट में से दो कर देता है और योना को ये पैसे लेने को कहता है। दूसरी नोट वही थी जो योना ने बेंच के नीचे से ली थी। ये देखकर योना कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ कि दूसरों के पैसे ले लूँ। फिर वो एक नोट लेकर जाने लगती है, पर अचानक उसके आसपास कई बबल्स आ जाते हैं और उसकी फटी हुई लेगिंग्स एकदम से ठीक हो जाती है। योना तो ये सब देखती ही रह जाती है। स्कूल में योना टेंशन में थी क्योंकि हाउस ओनर को उससे पैसे देने थे। ना इलडंग योना को ही देख रहा था।
शायद वो उसे पसंद आने लगी थी। फियोना आंखें खोलती है, अपनी चोरी पकड़ी ना जाए इस वजह से ना इल्डंग योना को एक मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व करने को कहता है। योना मैथ्स की प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेती है। बातों बातों में योना ना इल्डंग से पूछती है कि दुनिया में रियल मैजिशियन होते हैं क्या। ये सुनकर ना इल्डंग कहता है, तुम छोटी बच्ची हो क्या जो इन सब में बिलीव करती हो। पार्ट टाइम जॉब करके योना घर जा रही थी तो उसका सर उसे खाने की कुछ चीजें देता है। योना को लगता है कि वो अच्छे इंसान है, इसलिए वो उनसे सैलरी एडवांस में मांगती है और अपनी कंडीशन के बारे में भी बताती है। कुछ सोचने के बाद स्टोर ओनर उसे सैलरी देते हैं। योना बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बॉस को थैंक यू बोलती है, पर आखिर में स्टोर ओनर अपनी औकात दिखा ही देता है। वो योना को गलत तरीके से टच करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। योना उसे धक्का देके गिरा देती है। स्टोर ओनर उस पर गुस्सा होता है और उसे फिर से जबरदस्ती करता है। योना मन में ही किसी को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है और अगले ही पल वहाँ मैजिशियन आ जाता है। वो स्टोर ओनर से पूछता है कि तुम मैजिक में बिलीव करते हो, और फिर अनार सुमार नारा बोल के वो स्टोर ओनर को गायब कर देता है। ये देखकर योना तो चौंक ही जाती है। दूसरे दिन योना उस स्टोर में जाती है तो वो स्टोर बंद पड़ा था। उसने मैजिशियन की रूमर्स सुनी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है। वो फिर से थीम पार्क जाती है। मैजिशियन वहीं था। वो उससे पूछती है कि कल रात आप वहाँ कैसे आए। मैजिशियन कहता है, तुमने ही तो हेल्प मांगी थी, मैं वहीं से गुजर रहा था। योना उसे अपने बॉस के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। मैजिशियन कहता है कि मैंने अपने मैजिक से उसे गायब कर दिया। योना कहती है, आपने उसे मार तो नहीं दिया। लेकिन मैजिशियन उस पर ध्यान नहीं देता है और मैजिक की ही बातें करता रहता है। योना उसे कहती है कि आप मुझे अच्छे इंसान लगते हो, आप कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते। आप जैसा अच्छा इंसान कोई पागल मैजिशियन जैसे बिहेव करे ये अच्छा नहीं है। वैसे भी कोई मैजिक रियल नहीं होता। मैजिशियन उससे पूछता है कि आखिर मैजिक में बिलीव करने में गलत क्या है। ये सुनकर योना कहती है कि आप जैसे लोग कि जिसे कोई टेंशन नहीं है, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ऐसी बच्चों जैसी बातें करते हैं। फिर वो रोते हुए बोलती है कि आपको पता है एक एक दिन गुजारने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। वो वहाँ से जा रही थी। फिर से मैजिशियन पूछता है कि तुम मैजिक में बिलीव करती हो। ये सुनकर तो योना गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर बोलती है कि मैं मैजिक में बिलीव नहीं करती। फिर मैजिशियन बोलता है अनार सुमानारा और उसके पेंडेंट में से बटरफ्लाई निकलता है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ की लाइट चालू हो जाती है। धीरे धीरे पूरा थीम पार्क स्टार्ट हो जाता है। योना तो ये सब देखती ही रह जाती है। मैजिशियन योना को अपना रियल मैजिक दिखाता है। ये सब देखकर तो योना के होश ही उड़ गए थे। उसकी लाइफ में ऐसा पहला दिन था जब वो इतनी खुश होगी, मानो वो कोई अलग ही दुनिया में आ गई हो। ये सब मैजिशियन की वजह से हुआ था। फिर वो योना से पूछता है, अब तो तुम मैजिक में बिलीव करती हो ना। योना को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मैजिशियन से बहुत ही इम्प्रेस हो चुकी थी और शायद मैजिक में बिलीव भी करने लगी थी। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।